जापान राजधानी टोकियो आयोजित विश्व क्रीड़ा महाकुंभ ओलंपिक्स समाप्त पर खेलाड़ियों घर बाउड़ा आरंभ हो टोकियो ओलंपिक्स रे सर्वकालीन श्रेष्ठ प्रदर्शन करथिबा भारतीय दल गतकाली स्वदेश फेरिथिले। एही क्रमरे ओडिशा फेरिछंती टोकियो ओलंपिक्स पदक विजेता हॉकी खेलाड़ी कांस्य पदक विजयी अमित रोहित दास और वीरेन्द्र लाक्रांक सहित महिला हॉकी दल दीप ग्रेस एका और नमिता टोपो ओडिशा फेरिछंती। खेलाड़ी भुवनेश्वर विजु पटनायक अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर रे भव्य स्वागत संवर्धना दिया जाइछि। विमान बंदर रे राज्य क्रीड़ा मंत्री और क्रीड़ा सचिव स्वागत करिछंती। भारतीय हॉकी दल पूर्वतन अधिनायक दिलीप तिर्की मध्य खेलाड़ी को स्वागत जनाइछंती। समय विमान बंदर बाहर प्रशंसकों भिड़ लागी रही थिला। क्रीड़ा विभाग अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थिले। जोरदार स्वागत दिया जाइछि। टोकियो ओलंपिक्स भारतीय पुरुष हॉकी दल इतिहास रचिछंती। दल 41 वर्ष पर सेमिफाइनाल प्रवेश करने ब्रोंज पदक जितिपारे सफल होती। जर्मानी को 5-4 गोल रे परास्त करी पुरुष हॉकी दल कांस्य पदक जीति हॉकी रे निजर पूर्व गौरव फेराई आनी। दल रे ओडिशार दुई खेलाड़ी अमित रोहित दास और वीरेन्द्र लाक्रा सामिल थिले। सेहीपरी भारतीय महिला हॉकी दल पदक जीति पारि नथिले भी निजर ओलंपिक्स इतिहास रे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करी 130 कोटी भारतीयों हृदय जीति। दल प्रथम थर ओलंपिक्स सेमिफाइनाल पहुंची थिला। हेले आर्जेंटीना ठारु हारी अल्पकेरु कांस्य पदकरु वंचित होइथिला महिला हॉकी दल। एही दल रे ओडिशार दुई जन महिला खेलाड़ी दीप ग्रेस एका और नमिता टोपो सामिल थिले। टोकियो ओलंपिक्स रे भारत निजर सर्वकालीन श्रेष्ठ प्रदर्शन करिछि। भारत जीति 7 पदक एथिरे गोटे स्वर्ण 2 रौप्य और 4 कांस्य पदक सह भारत खेलाड़ी भारत फेरिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।